यो फोटो को गंभीर से हमर अमर आयोजक कमिटी द्वारा संबोधन जना भई लामा धर्म गुरु हरले अभी ये जो अभी जो समय गुजर रहा है हमारे कोरोना के बाद जो सभी लोग अपना जीवन फिर से शुरू करने के बारे में सोच रहा है, इस वक्त सभी के लिए भगवान बुद्ध का दर्शन बहुत ही आवश्यकता है। नहीं, जो सकारात्मक सोच का विकास जिस तरीके से करना है वो बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण बात है। अब अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाएं, जो दो वर्ष तक कोरोना के कहर से अब निकल आए, अब आगे जाके किस तरह से हमें फिर से अपने पैर को मजबूत करना है, जीवन को आगे किस सकारात्मकता के साथ किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये सभी सोच के लिए भगवान बुद्ध का दर्शन जब अब अगर हम सभी लोग उस पर अनुसरण कर सके, उस पर ध्यान दे सके, तो सहजता के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा पाएंगे। सबसे बड़ी दुख की बात तो अभी तो वार चल रहा है, यही है भाईचारा की जो सोच हम लोगों में वो जो कम हो रहा है वो सबसे बड़ी दुख की बात है। सब मानव है, हम मानव जाति सभी जीवन में सुख चाहते हैं, कभी किसी के जीवन में दुख नहीं चाहते ना? तो एक आपस में जो चाहत हम रखते हैं, अगर मेरे चाहत के बारे में आपको पता हो तो आप उसे सम्मान करें, अगर आपके चाहत सुख हो तो मैं उस प्रति अपना सम्मान जनाएं, उस तरह का भाईचारा का व्यवहार अगर उसमें बढ़ावा मिले तो यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं विश्व में शांति कायम रखने के लिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ इस सभा से, सभी लोगों से यही मेरा प्रार्थना है कि यूक्रेन का जो वार अभी चल रहा है वो जल्द से जल्द बंद हो, सभी के जीवन में सुख और शांति का महसूस जल्दी से जल्दी कर पाए। अभी जो कोरोना का कहर भी अभी थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, सभी के मन मस्तिष्क से उसका डर कम हो रहा है, अब जीवन थोड़ा सहज चल रहा है, उसी सहजता में फिर ये वार थोड़ा दुख की बात है। हम विश्वास रखें कि ये जल्द ही रुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। गीत सिंगर भी अच्छा धर्म को ध्वनि फैलियोस, बुद्ध वाणी गुंजियोस, विश्व नहीं ढकमक पारी, शांति फूल फूली रहोस, शांति फूल फूली रहोस। थैंक यू।